जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए ललन सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक तीर से साध लिए हैं कई निशाने। लवकुश समीकरण में भूमिहार को जोड़ने के लिए नीतीश ने चला है दाव। कुर्मी कोयरी समाज के साथ ही सरवणों को भी जेडीयू में मिली भागीदारी। नीतीश के बेहद करीबी माने जाने वाले ललन सिंह को मिली जिम्मेदारी। जेडीयू के 18 साल के इतिहास में ललन सिंह बने पहले सरवण अध्यक्ष। ललन सिंह के आरजेडी में शामिल होने के बाद भूमिहार समाज में थी हलचल। 2020 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह ने बिगाड़ा था जेडीयू का खेल। अनंत सिंह की वजह से भूमिहार समाज में आरजेडी को लेकर बढ़ा था रुझान। ललन सिंह के जरिए नीतीश कुमार ने भूमिहार वोटरों को दिया सीधा संदेश। ललन सिंह के नाम पर भूमिहार वोटर दे सकते हैं जेडीयू को खुलकर समर्थन। 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही नीतीश कुमार डैमेज कंट्रोल मोड में नजर आ रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने जेडीयू के पुराने लवकुश यानी कुर्मी कोयरी समीकरण को मजबूत करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा की घर वापसी कराई। उपेंद्र कुशवाहा की घर वापसी के साथ ही नीतीश बाबू ने उन्हें संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी। आज कल उपेंद्र कुशवाहा बिहार में यात्रा कर जिला स्तर के वर्करों के मन को टटोल रहे हैं। वहीं कुर्मी कोयरी वोटरों के अलावा नीतीश कुमार को सरवण वोटरों की भी चिंता सता रही है। ललन सिंह को जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाना इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। वैसे भी जब से मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने आरजेडी का दामन थामा है, तभी से भूमिहार समाज में बेचैनी का माहौल था। 2020 के विधानसभा चुनाव में भूमिहार वोटरों का बड़ा हिस्सा जेडीयू से छिटक कर आरजेडी और कांग्रेस के साथ चला गया। इसका सीधा नुकसान जनता दल यूनाइटेड को उठाना पड़ा। आखिर में ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद सौंपकर नीतीश बाबू ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ललन सिंह ने अपना इरादा साफ कर दिया। ललन सिंह ने कहा कि वो पार्टी के संगठन को बिहार के गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। सिंह ने कहा कि बिहार से बाहर भी जेडीयू के संगठन का विस्तार किया जाएगा। ललन सिंह ने बताया कि पार्टी के पुराने साथियों को भी वापस लाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि जेडीयू में समाज के हर तबके को भागीदारी मिलेगी। इसी नीति के जरिए न्याय के साथ विकास के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपने को पूरा किया जाएगा। हालांकि जेडीयू के बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन जाने से जुड़े सवाल को ललन सिंह ने टाल दिया। आरसीपी सिंह इसके पहले पार्टी का अध्यक्ष के रूप में भी और संगठन के प्रभारी महासचिव के रूप में और उस काम को जहां तक इन्होंने पहुंचाया है उसको आगे ले जाना, बिहार के गांव-गांव तक उसको पहुंचाना, अन्य प्रदेशों में भी इसको पहुंचाना, ये पार्टी की प्राथमिकता होगी। पार्टी के अंदर सभी नेताओं और सभी महत्वपूर्ण साथियों से विचार विमर्श सलाह मशवरा के आधार पर संगठन को मजबूत किया जाएगा। जो साथी पार्टी से किसी न किसी कारण से सक्रिय नहीं है, पुराने समता पार्टी के साथ समता पार्टी के समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको सक्रिय करना, उनका परामर्श लेना, उनको प्रतिष्ठित करना, ये पार्टी की प्राथमिकता होगी। पार्टी के अंदर कोई पसंदगी नापसंदगी की बात नहीं होगी। पार्टी में कोई उपेक्षित नहीं होगा। समाज के हर तबके को पार्टी के साथ जोड़ के न्याय के साथ विकास का जो नारा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसको आगे बढ़ा के बुलंदियों तक ले जाने की पार्टी की प्राथमिकता। पार्टी सर विधानसभा चुनाव लड़ेगी बिहार के संदर्भ में बात करें, बिहार में पार्टी भी तीसरे नंबर की पार्टी हो गई विधानसभा चुनाव में कुछ कारणवश, उसको मजबूत करना नंबर वन की पार्टी फिर से बनाने के लिए क्या करेंगे? कई कारण हैं। माइक हाँ बेहतर है। कई कारण है, उसकी समीक्षा हो चुकी है कई बार। अब आज इतने दिन के बाद आप उसकी जो चर्चा कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं। वहीं इस मौके पर ललन सिंह ने बिहार की महिलाओं की सशक्तिकरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के योगदान की तारीफ की है।
ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में जैसा काम किया है जिसकी किसी और राज्य से तुलना ही नहीं हो सकती। महिलाओं की भागीदारी के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है बिहार में वो देश के किसी राज्य में नहीं हुआ। 50% महिलाओं को पंचायती राज और नगर निकाय में आरक्षण, महिलाओं को 35% सरकारी सेवाओं में आरक्षण, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में टेक्निकल इंस्टीट्यूट में महिलाओं के एडमिशन में आरक्षण तो किस राज्य में हुआ? तो नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो काम किया है वो एक उदाहरण है। माजी ललन सिंह को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संकट मोचक माना जाता है। नीतीश कुमार ने एक ही तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। हालांकि ये वक्त ही बताएगा कि ललन सिंह नीतीश बाबू के भरोसे पर कितना खरा उतरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।